नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। 19 लाख प्रत्येक वर्ष नौकरी देने की मांग को लेकर AISF के कार्यकर्ताओं ने तेगरा बाजार में निकाला प्रतिरोध मार्च। तेगरा AISF तेगरा अंचल परिषद के द्वारा जिला परिषद सदस्य प्रिंस कुमार के नेतृत्व में रामेश्वर भवन तेगरा से विभिन्न मांगों को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह मार्च तेगरा बाजार मुख्य मार्ग होते हुए अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए मेन चौक पर सभा में तब्दील हो गया। इस सभा की अध्यक्षता त्याग कॉलेज के सचिव शुभम कुमार ने किया एवं संचालन गोला 2 पंचायत के अध्यक्ष विशाल कुमार ने किया। सभा को संबोधित करते हुए तेगरा अंचल सचिव मोहम्मद हसमत उर्फ बालाजी एवं त्याग कॉलेज प्रभारी किशन भारद्वाज ने कहा कि विगत बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने वादा किया था कि सरकार बनने पर प्रत्येक वर्ष बिहार के युवाओं को 19 लाख नौकरी देंगे। 2 वर्ष बीतने को चला है, अभी तक नौकरी देने का दूर उल्टा नौकरी में कटौती की जा रही है। पिछले 3 वर्षों से सेना की बहाली बंद है। हमारा मांग है कि सेना की बहाली अविलंब शुरू किया जाए एवं उम्र सीमा में 2 वर्ष छूट दिया जाए। बेगूसराय के कारखाने में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। तेगरा प्रखंड में जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज की स्थापना किया जाए। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में छात्रों को विशेष सुविधा के तहत प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। स्नातक का रिजल्ट जल्द प्रकाशित किया जाए। बेगूसराय जिला में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, अन्यथा AISF आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। AISF के साथियों ने तय किया कि आने वाले 26 तारीख को तेगरा अंचल का सम्मेलन सह नई शिक्षा नीति पर ओमर हाई स्कूल तेगरा में सेमिनार आयोजित किया जाएगा ताकि छात्रों को नई शिक्षा नीति से अवगत कराया जा सके। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।